इंडो नेपाल सीमा समीप स्थित बलई गांव में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आप सभी का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के इंडो नेपाल सीमा समीप आदिवासी थारू जनजाति बाहुल्य गाँव सोहली बलई गाँव से है, जहाँ पर एक दिवसीय मूल आदिवासी जनजाति संस्थान कल्याण संस्था संपूर्ण भारत का 11 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें नव निर्वाचित सदस्यों को उनको दायित्व सौंपे गए। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि गोपाल सिंह राणा बीजेपी विधायक व शैलेंद्र सिंह गढ़वाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न पदाधिकारियों को बैच और माला। मुख्य अतिथि ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पद शक्ति का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का घोतक है। जिम्मेदारी का निर्वाह के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि महोदय ने अनुशासन तथा शिष्टाचार के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हुए पदाधिकारियों को आदिवासी थारू समाज की गरिमा को उन्नत करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर श्याम नारायण राणा, राकेश चौधरी, मंगल थारू, बलराम थारू, रामकर्ता राणा, राजकुमार, ईश्वरदीन चौधरी, बेचन थारू, अर्जुन प्रसाद राणा एवं विनोद चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कर्मवीर राणा ने किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आदिवासी बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। थारू बालिकाओं के समूह गायन व थारू नृत्य की प्रस्तुत अति सराहनीय। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था भारत वर्ष के संविधान के प्रति सच्ची एवं संपूर्ण आस्था रखूंगा तथा पूरी ईमानदारी से इसके अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन करूंगा तथा दिए गए कर्तव्यों का मैं ये अभी पूर्ण सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि थारू समुदाय के अस्मिता स्वाभिमान की रक्षा करूंगा एवं उनके अर्थ प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अभी आप लोग यहीं पर रहे ताकि सभी का मार्गदर्शन कराया जा सके। मैं और मल्यार्पण करने के लिए